आज की वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार मूवी मरमेड डाउन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी के शुरू होते ही हमें दो फिशरमैन को दिखाया जाता है जो असल में मरमेड को पकड़ने के लिए समंदर में आए थे। वो कई दिनों से ट्रैप लगाकर बैठे हुए थे और मरमेड के आने का वेट कर रहे थे। वहीं हम देखते हैं कि कुछ दूरी पर बोट में एक आदमी उन पर नजर रखे हुए था। इधर काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार उनके ट्रैप में जलपरी फंसी जाती है। वो मरमेड को खींचते हुए बोट पर ले आते हैं और तो और उसे टॉर्चर भी करते हैं। जब एक फिशरमैन जलपरी को बांधने की कोशिश कर रहा होता है तो मरमेड मौके का फायदा उठाकर दूसरे फिशरमैन पर अपनी पूंछ से हमला कर देती है और दोबारा जाकर समुद्र में कूद जाती है। एक फिशरमैन उसके साथ रस्सी से बंधा होने की वजह से वो मरमेड के साथ ही समुद्र में जाकर गिरता है। जो आदमी उन पर नजर रख रहा होता है वो ये सब कुछ देख रहा था। दूसरा फिशरमैन समुद्र में ही जलपरी पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन गोली उसके पार्टनर को ही लग जाती है। लेकिन वो फिशरमैन एक बार फिर से मरमेड को पकड़ लेता है। इसी दौरान वो आदमी जो उन पर नजर रख रहा था वो चुपके से उनकी बोट में आकर छुप जाता है। वो देखता है कि वह फिशरमैन बुरे तरीके से उस जलपरी की दुम पर कुल्हाड़ी से चोट करता है और उसे अलग कर देता है। इसी दौरान फिशरमैन को पता चल जाता है कि उसकी बोट में कोई आकर छुप गया है। फिशरमैन उस आदमी को पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करता है कि तुम यहाँ कैसे आए और क्यों आए। वो आदमी कहता है कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा नाम डॉक्टर बियर है। वो डॉक्टर फिशरमैन से कहता है कि मैं इस मरमेड को खरीदना चाहता हूँ, तुम इसका सौदा मुझसे कर लो। इस दौरान मरमेड का कटा हुआ दुम वाला हिस्सा समंदर में जाकर गिर जाता है और मौका मिलते ही डॉक्टर बियर फिशरमैन पर उसी कुल्हाड़ी से हमला करके उसे मार डालता है। बाद में वो डॉक्टर जलपरी के आधे बचे हुए बॉडी पार्ट पर रिसर्च करता है। वो देखता है कि जलपरी की आधी बॉडी कट चुकी है, मगर इसके बावजूद भी वो जिंदा है। थोड़े दिनों बाद जलपरी की बॉडी पर अजीब सी स्किन आ रही थी और वह बगैर कुछ खाए जिंदा भी थी। और तो और वो काफी दिनों से एक ही जगह पर पड़ी हुई थी। फिर 63 डेज बाद उसकी बॉडी से वो स्किन रिमूव हो जाती है। इसी दौरान उसकी इंसानों जैसी टांगे और पैर भी जनरेट हो चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी टांगे और पैर बिल्कुल ठीक हो गए थे, लेकिन अभी भी वो चलने के काबिल नहीं थी। वह मरमेड सिर्फ मछलियां ही खाती थी। इस जलपरी पर और ज्यादा रिसर्च करने के लिए डॉक्टर बेयर उसे अपने मेंटल एजाइलम में ले आते हैं। और अजीब बात ये थी कि इस मेंटल एजाइलम में सिर्फ लड़कियां ही थी। वहां पर एक लड़की का नाम होता है जून। जून जो कि हमेशा से एक लड़की से बात किया करती थी और वो लड़की सिर्फ जून को ही नजर आती थी और किसी को नजर नहीं आती थी। यानी इसका मतलब साफ था कि वो लड़की भूत ही थी। डॉक्टर जब भी इस जलपरी को वहां पर लेकर आता है तब वो लड़की जलपरी को भी नजर आ रही थी जो जून को भी नजर आती थी। जो जुल्म जलपरी के साथ हो रहे थे उसकी वजह से वो काफी दुखी थी। वो हमेशा गीला रहने या फिर पानी में रहने की कोशिश करती थी। कैमराज की मदद से डॉक्टर बेयर उस पर लगातार नजर भी रख रहा था। जून जब उस लड़की के भूत से बात कर रही होती है तब हम ये जान पाते हैं कि वह लड़की तो 10 साल पहले ही मर चुकी है, लेकिन उस लड़की का भूत ये बात मान ही नहीं रहा कि वो मर चुकी है। वो समझती थी कि मैं भी उन लड़कियों जैसी जिंदा लड़की हूँ जो कि इस मेंटल एजाइलम में है, और अब उसे सिर्फ जून और मरमेड ही देख सकते थे। जून जब उस लड़की के भूत से बातें किया करती थी तब सब लोग उस पर हंसते थे ये कहते हुए कि ये किसी सोल से बात कर रही है। अब उस लड़की का भूत मरमेड से भी बातें करने लगा था और वो मरमेड की हेल्प करने की भी कोशिश भी करती है। जलपरी एक नर्स जिसका नाम सैंड्रा होता है उससे कुछ दूसरी लैंग्वेज में बातें कर रही होती है। जलपरी के साथ जो बीत चुका था वो सब कुछ बता रही थी, लेकिन नर्स सैंड्रा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो कह क्या रही होती है। मरमेड की बातों को समझने के लिए सैंड्रा लैंग्वेज एक्सपर्ट एक आदमी को बुलाती है और वो आदमी मरमेड से बातें करता है। मरमेड कहती है कि यहाँ पर एक लड़की है जो किसी को भी नजर नहीं आती, जिस पर जून कहती है कि मुझे भी वो लड़की दिखाई देती है। जलपरी कहती है कि मैं इस जमीन की इस दुनिया की नहीं हूँ, यानी मैं एक मरमेड हूँ एक जलपरी हूँ। वो कहती है कि मेरी पूंछ भी बड़े बुरे तरीके से काट दी गई, अब क्योंकि मैं इस दुनिया में आ गई हूँ तो इसीलिए इंसानों जैसे मेरे पांव आ गए हैं। वो कहती है कि ये लैंग्वेज हमने कुछ लोगों से सीखी थी जो फिशरमैन थे और समुद्र में आए थे, और वो फिशरमैन बहुत सारी जलपरियों को अपने साथ जमीन पर ले आए। इस जमीन पर कुछ लड़कियां हैं जो उन जलपरियों की बेटी हैं, और एक हकीकत ये कि एक जलपरी की बेटी यहाँ भी मौजूद है। जलपरियां पानी के बगैर जमीन में जिंदा नहीं रह सकती, जमीन पर कुछ दिन और रहने से वो मर भी सकती हैं। ये बातें सुनकर सब लोग काफी हैरान रह जाते हैं, लेकिन कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता। डॉक्टर बेयर को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है कि मरमेड ने अपनी हकीकत सबको क्यों बता दी। इसलिए वो पनिशमेंट देने के लिए मरमेड को बड़े बुरे तरीके से घसीटते हुए ले जाता है और उसे लेकर एक सेल में बंद कर देता है। जलपरी के साथ उस लड़की का भूत भी चला जाता है।
उसके साथ ऐसा होते देखकर बाकी सारी लड़कियां भी काफी परेशान हो जाती हैं और उनमें से एक लेडी जलपरी के पास जाने का फैसला करती है। वो लेडी चुपके से जलपरी के पास जाती है, लेकिन डॉक्टर वेयर उसे देख लेता है। वो डॉक्टर वेयर से पूछती है कि मरमेट कहाँ पर है। डॉक्टर वेयर उससे कहता है कि वो बेसमेंट में है। डॉक्टर वेयर उस लेडी को नहीं रोकता बल्कि उसे जाने देता है। वो लेडी जब जलपरी को ढूंढ रही होती है तब उस लड़की का भूत उस लेडी को बुलाता है, लेकिन उस लेडी को उस भूत की आवाज़ सुनाई नहीं देती। वो लेडी एक ऐसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर एक पागल औरत थी जो उस पर अटैक कर देती है। डरते हुए वो एक लेडी एक सीक्रेट रूम में जा पहुँचती है जहाँ पर उसे एक डॉग मिलता है जो कि कैनिबल था, और उस डॉग को डॉक्टर वेयर ने यहाँ पर पाला हुआ था। अंधेरा वहाँ पर काफ़ी होता है जिसकी वजह से वो लेडी कुछ भी देख नहीं पाती। वो कैनिबल डॉग उस लेडी पर अटैक कर देता है और वो लेडी मर जाती है। यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है कि डॉक्टर वेयर एक अच्छा इंसान नहीं था। उसने मरमेड के अलावा बाकी लड़कियों के साथ भी काफ़ी कुछ गलत किया हुआ था। वो लड़कियों को मारने के बाद उनका मांस उस कैनिबल डॉग को खिला देता था। सैंड्रा डॉक्टर वेयर से उस लड़की के बारे में पूछती है जिसे डॉग मार चुका था। डॉक्टर वेयर कहता है कि उस लेडी का ट्रांसफर कहीं और हो गया है और वो बिल्कुल ठीक है और सेफ है। डॉक्टर वेयर लगातार जलपरी पर नजर रख रहा था। वो देखता है कि जलपरी किसी तरह बेसमेंट से भी बाहर आ रही है और ये बात उसे हैरत में डाल देती है, इसलिए वो उसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च करवाता है। हम देखते हैं कि मरमेड की बॉडी बहुत तेजी से चेंज हो रही है और वो जलपरी अपने पैरों पर भी खड़ा होने की कोशिश करती थी और सैंड्रा उसकी मदद करती है। थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं कि वह अपने पैरों पर चल पा रही थी। बाकी लड़कियां भी उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता फ्रैंक हो रही थी, उसे पसंद करने लगी थी। एक बार रात के समय जलपरी विंडो का ग्लास तोड़कर जंगल की तरफ भाग जाती है और उसके पीछे बाकी लड़कियां भी भाग जाती हैं, लेकिन डॉक्टर वेयर कैमरा से उन्हें भागते हुए देख लेता है और इसलिए वो अपनी गन निकालता है। दूसरी तरफ ये लड़कियां भागते हुए एक नदी तक पहुंच जाती हैं। वो सभी उसमें स्विमिंग करने का डिसीजन लेती हैं, लेकिन पानी काफ़ी गंदा था इसलिए वो वहीं पर रुक जाती हैं। थोड़ी देर बाद वो लड़कियां सर्दी और भूख लगने की वजह से वापस मेंटल एजाइलम में आ जाती हैं, जबकि एक लड़की और उस लड़की का भूत मरमेड के साथ ही रहती है। आज़ादी और नदी को पाकर मरमेड काफ़ी खुश नजर आती है। रात को जो लड़की मरमेड के साथ रुकी थी जब वो सुबह उठकर देखती है तो वो खुद को अकेला पाती है, इसलिए वो भी वापस मेंटल अजाइलम में आ जाती है। हम देखते हैं कि उस लड़की का भूत जंगल में मरमेड को ढूंढ रहा है। वो देखती है कि एक रात में जलपरी काफी ज्यादा चेंज हो गई है और तो और अब उसकी दुम भी रिजेनरेट हो चुकी थी, लेकिन मरमेड वहीं पर फंस चुकी थी क्योंकि नदी का पानी खुश्क हो चुका था। उस लड़की का घोस्ट जलपरी को कह रहा था कि मैं तुम्हारे घर यानी समंदर तक तुम्हें ले जाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जलपरी व्हीलचेयर पर बैठकर मेंटल एलाइजम में जा रही होती है, लेकिन डॉक्टर वेयर उसे देख लेता है और वो जलपरी को कार से हिट कर देता है। यहाँ पर सैंड्रा को भी पता चल जाता है कि वो वाकई एक जलपरी है। डॉक्टर वेयर एक एम्प्लॉय की हेल्प से उसे अपनी कार में रखवाता है और इस राज को छुपाने के लिए वो सबसे पहले अपने गार्ड को ही मार डालता है। उसे गार्ड का मर्डर करते हुए सैंड्रा और बाकी लड़कियां भी देख लेती हैं, इसलिए वो सबको मारने के लिए आता है। सैंड्रा बहुत सारी लड़कियों के साथ खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है। डॉक्टर वेयर ये दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। हम देखते हैं कि एक नर्स दूसरी लड़कियों को वॉशरूम में छिपा रही होती है और खुद वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन डॉक्टर वेयर उसे देख लेता है और उसे शूट करके मार डालता है। फिर डॉक्टर वेयर वॉशरूम में जाता है और उन सब लड़कियों को बहुत बुरे तरीके से मार डालता है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सैंड्रा बाकी लड़कियों और एक गार्ड को लेकर वहां से भाग रही होती है। डॉक्टर वेयर जलपरी को लेकर अपनी बोट पर आ जाता है। वो मरमेड को एक हुक में फंसा देता है क्योंकि अब वो जलपरी के टुकड़े करने वाला था, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है, क्योंकि सैंड्रा और बाकी लड़कियों ने उसे मर्डर करते हुए देख लिया था और वो लड़कियां और सैंड्रा तो भाग चुके हैं, लेकिन जलपरी को बचाने के लिए सैंड्रा डॉक्टर वेयर की बोट के पीछे आती है। उस वक्त उस लड़की का भूत जलपरी के साथ ही होता है। डॉक्टर वेयर जब मरमेड को टॉर्चर कर रहा होता है तब उसकी आवाज़ सुनकर सैंड्रा भी वहां पर आ जाती है। सैंड्रा को वहां पर एक फाइल मिलती है जिसमें उस लड़की की डिटेल थी जो कि घोस्ट बनकर मरमेड को नजर आ रही थी। यहां पर हम ये जान पाते हैं कि डॉक्टर वेयर ने उस लड़की पर स्टडी करते हुए उसे टॉर्चर भी किया था, जिसकी वजह से वो लड़की तड़प तड़प कर मर गई। फिर सैंड्रा को जलपरी मिल जाती है। डॉक्टर वेयर सैंड्रा पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो इससे पहले ही उसे शूट कर देती है, जिसकी वजह से डॉक्टर वेयर मरता तो नहीं लेकिन घायल हो जाता है, और फिर वो मरमेड भी उस पर अटैक कर देती है। इसी दौरान उस बोट में छेद हो जाता है जिसकी वजह से उस बोट में पानी आने लगता है। गोली की आवाज सुनकर लड़कियां सैंड्रा की हेल्प करने के लिए वहां पर आ जाती हैं
और वो लड़कियां भी देख लेती हैं कि वो बाकी में एक मरमेड यानी एक जलपरी है, और वो सब मिलकर हुक से उसकी पूंछ को निकाल देती हैं और बोट के टूटे हुए हिस्से से मरमेड समुद्र में चली जाती है। लेकिन पानी आने की वजह से बाकी लड़कियां वहां पर फंस चुकी थी, क्योंकि बोट में इतना पानी आ चुका था कि वो सभी डूबने लगती हैं। जून बताती है कि यहाँ पर एक लड़की की डेड बॉडी है। ढूंढने पर उस लड़की के भूत की डेड बॉडी मिल जाती है, जिसके बाद बाकी लड़कियां अब जून पर विश्वास करने लगी थी। तभी डॉक्टर वेयर सेंड्रा पर अटैक कर देता है और उसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जलपरी वापस आ जाती है और वो सेंड्रा की हेल्प करते हुए डॉक्टर वेयर का मुकाबला करती है। डॉक्टर वेयर यहाँ पर बेहोश हो जाता है और डूबती हुई बोट से बाहर निकलने के लिए जलपरी उन सभी लड़कियों की हेल्प करती है। जब सब लड़कियां जमीन पर आ जाती हैं तो उनके पास मरमेड आती है और उन लोगों को थैंक्स बोलती है कि आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। यहाँ पर मरमेड बताती है कि जून भी असल में एक जलपरी की बेटी है, और तभी वहाँ पर उस लड़की का भूत भी आ जाता है जो कि अब सबको नजर आ रहा था। मरमेड उस भूत को कहती है कि मैं हमेशा तुम्हें देख सकती थी, तुम्हें फील कर सकती थी। ये कहते हुए वो वापस पानी में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर वेयर पानी से ऊपर आ रहा है, लेकिन जलपरी उसे पानी में खींच कर ले जाती है और डॉक्टर वेयर को डुबोकर मार डालती है, और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। जल्द मिलेंगे एक और शानदार एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।